नमस्कार, एसडीएफ न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आर के रोशन। आइए देखते हैं अब तक की 10 बड़ी खबरें। सभी अटकलों पर विराम लगाते हुए गुप्तेश्वर पांडे ने बिहार के डीजीपी पद से ऐच्छिक सेनावृत्ति लेकर विधानसभा चुनाव में उतरने का फैसला कर लिया है। पद से त्यागपत्र देने के बाद तत्काल एसके सिंघल को सूबे का डीजीपी बना दिया गया है। निवर्तमान डीजीपी संभवतः बक्सर विधानसभा क्षेत्र से एनडीए के उम्मीदवार होंगे। अभी लगभग 5 माह उनका कार्यकाल बाकी था। युवा मतदाताओं समेत वे सभी वोटर जिनका नाम मतदाता सूची में अंकित नहीं है, उनके लिए एक और मौका नाम दर्ज कराने का आ गया है। अपने घर के समीप ही निर्धारित मतदान केंद्र पर इसी माह 27 को आयोजित विशेष कैंप पर जाकर मतदाता सूची में अपना नाम दर्ज करा सकते हैं। पटना के एसएसपी उपेंद्र शर्मा ने शहर के थानेदारों को सख्त चेतावनी दी है कि वो गश्ती दल को काम पर नियमित तौर पर क्रियाशील करे। शिथिल गश्ती के चलते अपराधी सक्रिय हो गए हैं। मीडिया ने भी रात्रि पेट्रोलिंग को लेकर सवाल खड़ा किया था। केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा है कि इंटरनेट सुविधा से बिहार के सभी गांव शीघ्रता से जुड़ जाएंगे। उन्होंने यह भी माना है कि बिहार के सभी देहाती क्षेत्रों में ऑप्टिकल फाइबर इंटरनेट सेवा बहाल हो जाने से राज्य प्रगति के साथ आगे बढ़ेगा। बिहार में पावर सेक्टर में काफी काम हुआ और इसी के चलते दिन रात बिजली संचरण व्यवस्था में सुधार हुआ है। ये बातें केंद्रीय ऊर्जा मंत्री राजकुमार सिंह ने कही है। उनका कहना है कि अब बिहार को क्वालिटी बिजली मिल रही है। केंद्र सरकार ने बिजली क्षेत्र में काम के लिए बिहार में 23,800 करोड़ रुपए खर्च किए हैं। पटना में मेट्रो रेल सेवा का काम शुरू कर दिया गया है। उम्मीद जताई जा रही है कि 5 वर्ष में यह काम पूरा हो सकता है। इस मद में 13,365 करोड़ की राशि खर्च की जाएगी। विदित हो कि फिलहाल 26 स्टेशन बनाया जाएगा, लेकिन अभी केवल 15 स्टेशन के लिए टेंडर हुए हैं। सूबे में जल्दी प्राध्यापकों की बहाली प्रक्रिया शुरू की जाएगी। 4,638 सहायक प्रोफेसर की बहाली प्रक्रिया शुरू करने के लिए 2 नवंबर तक आवेदन करने की तिथि रखी गई है। निर्धारित योग्यता के आधार पर दिसंबर माह में साक्षात्कार होने की संभावना है। 55 साल तक के सभी अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं। कल यानी 24 को केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह बिहार के सभी शिक्षकों और स्नातकों को संबोधित करेंगे। प्राप्त जानकारी के मुताबिक वर्चुअल कीबोर्ड के सारे संबोधन के लिए वीडियो का लिंक भेजने की व्यवस्था की गई है। बिहार ने कोरोना जांच मामले में पुनः रिकॉर्ड बनाया है। लगभग 2 लाख सैंपल की जांच की गई है। 1600 नए कोरोना संक्रमित मरीज के मिलने की खबर आई है। सूबे के 4 जिले में संक्रमितों की संख्या अधिक है। बिहार में इस माह 24 एवं 25 को तेज बारिश होने की संभावना है। बंगाल की खाड़ी में दबाव बनाने के चलते फिर से मानसून के हालत बन रहे हैं। तेज वर्षा के साथ बिजली का खतरा भी बना रहता है, इसलिए बारिश के दौरान सुरक्षित रखने का प्रयास होना चाहिए। खबरों के इस सफर में बस इतना ही। ताजा तरीन खबरों के लिए आप देखते रहिए एसडीएफ न्यूज।